नमस्ते, एक और पैरानॉर्मल स्टोरी के साथ आपके साथ कुछ शेयर करने आया हूँ। दिल्ली के एक सेक्टर की कहानी। द्वारका के इस सेक्टर को लेकर कई सारी बातें सामने आई हैं जो लोगों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। कहते हैं कि यहाँ श्री दादाबाई वाला मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। इस पेड़ के आसपास भूतों के साए नजर आते हैं और यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ कोई अनजान साया उन्हें थप्पड़ मारता है। कुछ लोग तो बताते हैं कि यहाँ रात के समय एक सफ़ेद साड़ी में कोई औरत दिखाई देती है जो लिफ्ट मांगती है और मना करने पर गाड़ी के साथ साथ भागती है। इन सब कहानियों और भूतों की बातों के कारण रात के समय यहाँ से गुजरने से लोग घबराते हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों ने इस डर का सच जानने के लिए जब यहाँ अपनी टीम के साथ तहकीकात करने पहुँची तो उन्होंने क्या पाया, अब ज़रा ये भी जान लीजिए। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर एंड चेयरमैन गोविंद कुमार जी बताते हैं कि लोगों का ये कहना था कि रात के समय यहाँ भूतों का डेरा रहता है, इसलिए वो रात में अपनी टीम के साथ अपने उपकरण लेके तैनात हो गए कि उन्हें भूत दिखेगा और किस वजह से उन्होंने यहाँ पे डेरा डाल रखा है पता करेंगे। लेकिन यहाँ देर रात तक उनके उपकरणों ने किसी तरह के कोई संकेत नहीं दिए और ना ही यहाँ किसी तरह की कोई अजीब अजीब घटना हुई। निराश होकर उनकी टीम वापस लौट आई और उन लोगों का कहना है कि यहाँ भूतों के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई भूत या भूतनी मौजूद नहीं है। ये एक इन्वेस्टिगेशन थी जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, सफ़ेद साड़ी, एक औरत, चुड़ैल, उल्टे पैर, कहानियाँ जो कुछ कहती हैं लेकिन क्या कहती हैं, कितना सच और कितना झूठ। द्वारका सेक्टर 9 दिल्ली। दिल्ली में द्वारका बहुत ही फेमस और काफ़ी लोकप्रिय जगहों में से एक है। ये बहुत बड़ा एरिया है। द्वारका में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, मेट्रो हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा बहुत कुछ है। यहाँ द्वारका की सड़कें बहुत बिजी हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, वहाँ सड़कें दिन रात चालू रहती हैं। द्वारका दिल्ली के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है, ये काफ़ी व्यस्त इलाकों में से एक है और इसी जगह के बीच, द्वारका के बीचों बीच है एक हॉन्टेड पेड़, द्वारका के सेक्टर 9 के पास। ये हॉन्टेड पेड़, मेरे ख्याल से आपने यहाँ के बारे में कई कहानियाँ सुनी होंगी। ये दिल्ली की बहुत ही फेमस हॉन्टेड जगहों में से एक है। इसके बारे में आप दिल्ली में किसी भी राह चलते इंसान से पूछ लीजिए कि क्या तू उस द्वारका सेक्टर 9 के पेड़ के आसपास वहाँ पे गया है कभी, तूने देखी है वो लोकेशन, तो वो आपको इसकी पूरी कहानी बता देगा। आप किसी भी ऑटो वाले से, कैब वाले से या वहाँ जो मेट्रो कर्मचारी हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको वहाँ की ढेर सारी कहानियाँ बताएगा। पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अनगिनत कंटेंट बनाए हैं यहाँ के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हॉन्टिंग्स होती हैं, कुछ लोग उस चुड़ैल को देखने का दावा भी करते हैं और ऐसी ही कई कहानियाँ हैं यहाँ के बारे में। सेक्टर 9 का जो मेट्रो स्टेशन है उससे कुछ ही दूरी पर है ये जगह और यहाँ पर है एक पेड़, हॉन्टेड पेड़। अब ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, कुछ लोग तो जो यहाँ पर बाहर से आते हैं वो इस पेड़ को ज़रूर देखने जाते हैं, वो थ्रिल, वो एडवेंचर फील करने जाते हैं 12 बजे, 1 बजे, आधी रात के वक्त। बेसिकली वो देखने जाते हैं कि रात में इस वक्त वहाँ कोई भूत नज़र आएगा। अब मुद्दा यह है कि अगर ऐसा है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने की, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लोगों के हिसाब से, उनकी माने तो इस पेड़ के आसपास एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल जिसके पैर उल्टे हैं वो इसके आसपास रहती है।
अक्सर जो लोग रात में देर रात में इस जगह से अपनी गाड़ियों से गुजरते हैं या कैब से ऑटो से जा रहे होते हैं, तो वो औरत, वो चुड़ैल इन लोगों से लिफ्ट मांगती है और उनके साथ बैठ जाती है। लोग ना चाहते हुए भी पता नहीं कैसे उस औरत को लिफ्ट दे देते हैं। इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन जब ड्राइवर अपने मिरर में देखता है और जिसमें उसे कुछ नहीं दिखता, डर के मारे जब वो पीछे देखता है तो उसे वो चुड़ैल दिखती है और तब गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से या तो उसकी जान चली जाती है, किसी सामने वाले की जान चली जाती है। अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोगों के साथ यहाँ पर हादसे हुए हैं। कई लोगों ने उस औरत को देखने का दावा भी किया है, कई लोगों ने उस औरत को उस जगह पर बैठे हुए देखा है, कई लोगों ने देखा है कि उस पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना हुआ है वहां बैठकर वो औरत रोती रहती है घंटों तक। कई ऑटो वालों ने उसे देखने की बात भी कही है। तो असल में अगर एक जगह के बारे में इतने सारे लोग अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो क्या इसमें कुछ भी सच्चाई हो सकती है? ये सब जानने के लिए मैं पहुंचा द्वारका के सेक्टर 9 के उस पेड़ के पास। ये काफी अच्छा खासा पेड़ है, एक चबूतरा बना हुआ है, वहां आसपास कुछ भगवान की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। तो ये कुछ वहां के बारे में आंखों देखा हाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कई सारे लोग आते हैं, पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और इसी तरह उस पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं रात में इस पेड़ के पास वो चुड़ैल आती है और वो लोगों को अक्सर दिखाई देती है। मुझे दिन में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और वहाँ के बारे में अच्छी खासी जानकारी है मुझे। मैं सीधा शाम के वक्त 9 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा। उस वक्त ट्रैफिक कम हो जाता है, धीरे धीरे भीड़ कम हो रही थी, सब काम धंधे से जा चुके थे या जा रहे थे। मैं बस अपनी गाड़ी में बैठा था और बस यही सोच रहा था कि धीरे धीरे उस जगह पर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल कम हो जाए। और ये सब कुछ होते होते करीब रात के 11:30 बज चुके थे। अब बहुत ज़्यादा गाड़ियां नज़र नहीं आ रही थी। धीरे धीरे आधी रात होती है और 2:30 बजे के आसपास जो एक दो गाड़ियां नज़र भी आ रही थी अब वो भी बंद हो गई। मेरी नज़र बस वहीं थी, उस पेड़ के आसपास। मैंने गाड़ी कुछ ऐसी जगह लगाई थी कि मुझे वहां से सब कुछ नज़र आता रहे। वैसे ये काफ़ी रिहायशी इलाका है तो ज़्यादा किसी को कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, मैं आराम से अपनी गाड़ी में बैठा था। रात के 3 बजे के आसपास मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला, उस पेड़ के पास जाके बैठ गया और मेरे मन में ये था कि यार अगर यहाँ पर वो चुड़ैल आती है तो मैं करूँगा क्या। आ तो गया मैं यहाँ पे हीरो बन के कि चलो चल के देखते हैं। ये सब कुछ मेरे मन में चल रहा था और भी ना जाने कैसे कैसे क्या क्या ख्याल आ रहे थे। करते करते 4 बजने को थे और तब वहाँ पे आता है एक ऑटो वाला। उसने अपना ऑटो वहीं कहीं साइड में लगाया, पेड़ के पास आके बैठा और स्मोकिंग करने लगा। अब हम दोनों वहाँ बैठे थे, कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या होगा भाई साहब, घर में लड़ाई वड़ाई कर लिए क्या, ऐसे रात में ऐसी जगह पर क्यों बैठे हो सड़क पे? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पर आया हूँ तो उस चुड़ैल को देखने जो इस पेड़ के पास रहती है, मुझे उसे देखना था, बहुत सुना था उसके बारे में। तो वो आदमी हंसने लगा, वो बोला अरे साहब आप भी कहाँ इन सब कहानियों के चक्कर में पड़ गए, मैं यहीं रहता हूँ, इसी रूट पर रिक्शा चलाता हूँ और ज़्यादातर मैं रात में ही रिक्शा चलाता हूँ क्योंकि दिन में कुछ और काम करता हूँ और मुझे 4-5 साल से ज़्यादा हो गए इसी रूट पर रिक्शा चलाते हुए। मैं हर रोज़ इस सड़क से गुजरता हूँ, कभी सवारी होती है कभी नहीं होती है, मुझे तो आज तक ऐसा कोई भी साया नज़र नहीं आया, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा तो लोगों ने ये कहानियाँ बनाई हुई हैं, वो कैसे? तब उसने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। देखिए ज्ञान के लिए ना किसी सर्टिफिकेट या डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कभी भी कोई भी कुछ भी ज्ञान दे सकता है, कुछ भी सिखा सकता है और यही मेरे साथ हुआ। जब इस रिक्शा वाले ने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी कहानियाँ क्यों आती हैं यहाँ के बारे में, तो वो हंसने लगा। वो बोला साहब ये तो नहीं पता कि ये कहानियाँ शुरू कहाँ से हुई,
लेकिन इतना पता है कि इस पेड़ की वजह से हम लोगों की दाल रोटी अच्छी खासी चल रही है। मैंने कहा कैसे? तो उसने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात में इस पेड़ को देखने आते हैं। कुछ यहीं के लोकल लोग होते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, लड़कों के ग्रुप, लड़कियों की भीड़ आती है। तो उन्हें यहाँ के लिए रात को हम उनसे पैसे ज़्यादा लेते हैं। जहाँ हमारे 50 रुपये किराए के बन रहे होंगे ना, वहाँ हम उनसे आराम से 250 से 300 रुपये तक ले लेते हैं। एक तो हमारी यहाँ से अच्छी खासी कमाई हो जाती है, दूसरा यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाने वाले आते हैं यूट्यूब से, टीवी से, मीडिया से। तो क्या है ना, आप यहाँ ऐसे कैमरा नहीं लगा सकते। दिल्ली शहर है, पुलिस हर वक्त घूमती रहती है, एयरपोर्ट भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप यहाँ ऐसे कैमरा वैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है ना, हमारे पास आते हैं तो हम उनसे पैसे लेकर ये सब बताते हैं कि आपको कब से कब तक कैमरा चलाना है, आपको शूटिंग की परमिशन कब तक की लेनी है, कब तक की नहीं लेनी है। तो इन सब चीज़ों से हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आपको पता है, यहाँ जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं वो वीडियो में उसे ही दिखाते हैं जो कहता है कि हमने उस चुड़ैल को देखा है। अगर कोई बोल देता है कि सब फालतू की कहानियाँ हैं, तो ये सब वीडियो में नहीं दिखाते। उनको भी बोला जाता है कि आपको ऐसे ऐसे दिखाना है, ऐसे ऐसे बताना है। लोग सिर्फ वही कहानियाँ देखते हैं जिसमें कोई कहता है कि हमने भूत देखा है। अगर कोई कहे कि ये सब फालतू की बातें हैं, फालतू की बकवास है, तो आप नहीं देखना चाहते। यानी कि आपको जानना सच है, पर आपको वो मानना भी नहीं जो सच है। पर जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया तो वैसा है भी नहीं। दरअसल ये चीज़ें सभी के साथ नहीं होती, बहुत से लोगों की किस्मत होती है जो बच जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर है तो बताना ज़रूर। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।